देखिए आपका भी खैर मकदम, तो आपके माध्यम से मेरी जो बात है अवाम नास तक पहुंचेगी। ये जो इस प्रोग्राम को, इस इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने का एक ही मुद्दा मकसद है, वो ये है कि जो जितनी भी हमारी सोसाइटी है ये कम से कम अवेयर हो जाए, जितने भी हमारे अभी डे टू डे लाइफ में इश्यूज़ हैं, जितने भी यहाँ पे अभी सोशल इवल्स है, क्योंकि ये प्रोग्राम रंगारंग, इसमें अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे, हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे हम आज हाईलाइट करेंगे हमारी सोसाइटी में क्या है क्या नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस इवेंट का करने, ऑर्गेनाइज करने का मकसद है, वो ये है कि जो हमारी यूथ है यहाँ की, कि उनका जो टैलेंट है वो निखर आ जाएगा और वो डिफरेंट जितने भी अलग अलग इवेंट्स हैं उनमें हिस्सा लेंगे, कि जितने भी हमारे यहाँ पे यूथ हैं इनका जो टैलेंट है वो निखर आ जाए, वो सामने आ जाए और इनमें एक वलवला पैदा हो जाए, या अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स में हिस्सा लें, अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, गेम्स है, कल्चरल प्रोग्राम्स है, सिंगिंग है, या ड्रग्स से खिलाफ ड्रग्स से दूर रहें, इसका यही मकसद है। और मेरी हर एक हर्द बशर से यही गुजारिश है, वो बढ़ चढ़ के इस इवेंट में हिस्सा लें ताकि हम इस इवेंट को यहाँ पे कामयाब करें। ये कुलगाम की तवारीख में आज पहली बार कुलगाम सिटी फेस्टिवल जो यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये फर्स्ट टाइम हो गया है, और आपसे तवक्काएं हैं कि आप आके इस इवेंट को कामयाब करेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम की जानिब से सिटी फेस्टिवल 2022 का यहां पे इनेकाद अमल में लाया जाएगा। वाजह रहे ये ज़िले कुलगाम में इस तरीके का इवेंट जो है पहली बार अमल में लाया जा रहा है। इस इवेंट में ज़िले कुलगाम से वाबस्ता यूथ इसमें ज्वाइन करेंगे और जिसको जिनको मौका मिलेगा यहां पे अपना टैलेंट निखारने का। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़र हुसैन।